तो उत्तर प्रदेश के मथुरा से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। जहां मंदिरों की नगरी मथुरा कहा जाता है, उसी मथुरा के अंदर मंदिरों के 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर शराब के ठेके अब खुलने लगे हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रतिबंधित भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी शराब के ठेके लगातार निरंतर रूप से वहां खुले जा रहे हैं। मंदिरों की नगरी में ही मंदिरों के पास खुल रहे हैं शराब के ठेके। योगी महाराज ने मथुरा जनपद के 10 किलोमीटर एरिया को किया था मादक प्रतिबंधित क्षेत्र, फिर इसकी है शासन के आदेश का किया जा रहा है उल्लंघन। धर्मनगरी मथुरा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीर्थस्थल का दर्जा देने के साथ ही कृष्ण जन्मभूमि के 10 किलोमीटर के परिधि की एरिया को ड्राई एरिया घोषित किया था, जिसमें उस एरिया के अंदर शराब और मीट की बिक्री को प्रतिबंधित भी कर दिया। राम मंदिर निर्माण और श्री कृष्ण जन्म स्थान के मुद्दे को लेकर योगी सरकार ने अपनी दोबारा से सरकार भी बना ली, लेकिन मंदिरों को लेकर योगी सरकार गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि मंदिरों की बात करने वाली सरकार में ही धर्मनगरी मथुरा में मंदिरों के पास शराब के ठेके खोलकर मंदिरों में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की भावना को भी ठेस पहुंचाई जा रही है। इसके बारे में हमने बहुत बार आंदोलन करे, हमने अपने मंत्री विधायक एमपी सबको सूचित किया, पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत द्रवित हूँ कि उदासीनता का मतलब क्या, जबकि योगी जी और मोदी जी की गवर्नमेंट में मंदिरों से दूर शराब के ठेके खोले जाएंगे। अरे यहाँ अति प्राचीन एक मॉडर्न बार नाम की संस्था है, चारों तरफ मॉडल शॉप है और ये सिद्ध अति प्राचीन मंदिर है। पर प्रशासन की उदासीनता है, मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकता। प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे? मैं सभी से करबद्ध करके ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यहाँ बृहस्पतिवार को आके देखा जाए, हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं, चारों तरफ शराब की रिश्के वाले तांगे वाले शराब पी पी के बहुत रात को आतंक होता है। यहाँ कोई राय दुआई नहीं है, रात को शराबियों का बहुत आतंक होता है।